फ्रेंड अभी सुमित ब्रेकफास्ट करके घर जा रहे हैं क्योंकि मुझे छोड़ने के लिए आए थे और वो अभी काम है तो काम के लिए जाना पड़ रहा है, तो इसीलिए रुकेंगे नहीं। वो दोपहर में लंच करने के टाइम आ जाएंगे फिर से। तो अभी मैं आई हूँ बाहर और बाहर बहुत धीमी धीमी से बारिश हो रहा है, तो इसीलिए अंदर ही सब कपड़े वपड़े टांग दिया है। और सुमित बीच में बोल रहा है बाबू आज चले जाना प्लीज़, मैंने बोला नहीं आज मैं रुकने वाली हूँ, तो इसीलिए सुमित बोला ठीक है चलो मैं अकेले ही जाती हूँ घर। तो वो देखिए अभी जा रहे हैं घर। तो उसके जाने के बाद मम्मी के साथ बहुत देर तक, यानी कि बोल सकते हैं घंटों भर बैठ के बातें किया हम दोनों ने। मेरे मम्मी के पेट में जितना सारे दबा हुआ बात माने यानी कि क्या बताऊँ, बात था जो किसी से कह नहीं पाते हैं, वो तो मुझे मिला तो मेरे साथ बहुत कुछ शेयर किया मम्मी ने अपना, कुछ निजी बातें जो हर लड़की के साथ ही ये बात किया जा सकता है ऐसा वाला कुछ बात सोच लीजिए। और बस अभी मम्मी से बात करते करते चाय पी रही हूँ। मेरे मम्मी बहुत अच्छा मिल्क टी बनाते हैं, दूध वाला जो चाय होता है ना बहुत अच्छा बनाते हैं, तो इसीलिए मम्मी मैं जब भी आती हूँ मायके तो मम्मी के हाथ का मिल्क टी ज़रूर पीती हूँ। और बात करते करते जो पाट साग है और जो आज लंच में बन रहेगा वो सब हेल्प भी कर दूँगी मम्मी को, और आज मम्मी खाना बनाएंगे। तो चलिए बातें बातें करते हैं, तब तक आप वीडियो को इंजॉय कीजिए और तब तक मैं बाकी का काम निपटा लेती हूँ। यहाँ पर 300 ग्राम का चिकन है फ्रेंड, मैरिनेट अभी करके रख रही हूँ। अभी पाट साग भाजी हो रहे हैं, राइस चढ़ा दिया है एक तरफ में, दोनों तरफ में खाना बन रहा है, तो तब तक मैं चिकन को मैरिनेट करके रख दूँगी। हाँ ए ना मैरिनेट कर रेखे जाओ। पूरा रेड रेड हो गया है। 300 ग्राम क्यों चिकन लेके आए पता है, मम्मी चिकन नहीं खाती है उतना प्यार से, सुमिति खाते हैं, मुझे भी चिकन मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए 300 ग्राम का चिकन लेके आए हैं। हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड अभी ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ, आई होप आप सबको पता होगा और मेरा कल वाला वीडियो आपने देख ही लिया होगा। मैं अभी मायके में हूँ और आज है मेरा मायके का दूसरा दिन यानी कि ब्लॉग के लिए आप सबके लिए दूसरा दिन, लेकिन मेरे लिए उसी दिन मैं दूसरा ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और बस नहा धोकर तैयार होकर बस अभी लंच करूँगी, तो चलिए लंच करके फिर आपसे आके मिलती हूँ। फ्रेंड देख लीजिए आज का लंच है, पाट साग भाजी, चिकन कोशा और राइस। दाल बनाना चाह रहे थे लेकिन भूल गए हम लोग दाल बनाने के लिए। बैठ गई हूँ लंच करने के लिए, अभी 3:30 हो रहे हैं दोपहर के, इस टाइम पे लंच कर रहे हैं। हमारा खाना तो बन बहुत पहले चुका था, 1:45 करीब, 2 बजे के टाइम हमारा लंच बन चुका था। और ये मेरा हेयर कैसा लग, हाँ सुमित आने में लेट कर दिया इसीलिए लेट करके लंच कर रहे हैं। इस तरफ मम्मी बैठी है, ये देखो मम्मी बैठ के लंच कर रही है, इस तरफ सुमित, और ये हम लोग का ना डाइनिंग टेबल है, फिर भी हम लोग फर्श पे खाना पसंद करते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं। इंडियन प्रीति रहती तो किधर बैठता, उधर। हाँ प्रीति रहती तो इधर बैठती मेरे पास, और नहीं तो वो उधर बैठती मौसा के, मौसा पी से पास, मौसा के पास, नहीं तो मासी के पास, दीदा के पास नहीं बैठती, पीती रहती तो सोच लीजिए मेरे पास, नहीं तो मौसा के पास पीती है। और भात तुलवा मैं अनेक भात करती है। फ्रेंड आज का लंच बहुत अच्छा रहा, क्यों पता है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मम्मी के हाथ का कुछ खाना खा रहे हैं। आपको सच बताऊं, अगर कोई आपको बनाकर खिलाए ना जो स्वाद लगता है, आप खुद बनाकर खाओगे ना उतना स्वाद नहीं आता, ये मेरा मानना है। आप क्या सोचते हो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देना, जैसे मैं सोचती हूँ आप भी ऐसा सोचते हो कि नहीं बताना कि
खुद बना के जो टेस्टी नहीं लगता है कोई और बना कर खिलाए तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। बस आज ना पाट साग भाजी और चिकन कौसा बहुत यमी बना है फ्रेंड, सच बताऊँ। और मेरे घर में अभी तो सुमित खाते हैं और मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है चिकन, मुझे मटन पसंद है, तो फिर भी उसके लिए मैं चिकन खा लेती हूँ। और ये 300 ग्राम का चिकन है फ्रेंड, फिर भी इसको दे रहे उसको दे रहे इतना, फिर भी बच गया है, रात के 2 पीस बच गया था, क्योंकि चिकन मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, मम्मी को भी अच्छा नहीं लगता, सिर्फ सुमित को अच्छा लगता है, तो इसीलिए। और देखिए अभी लंच करने के लिए बैठे हैं, तो चलो मैं लंच कर लेती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट भी ले लेती हूँ, उसके बाद कैमरे के सामने आकर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो लंच हो चुका है, आप यही सोचेंगे ना लंच करने के बाद मेरे लिपस्टिक के लिप में मेरा लिपस्टिक कहाँ से आया, मैं थोड़ा रील्स वीडियो बना रही थी इसीलिए मैंने लिपस्टिक फिर से लगा लिया है। सुमित और मम्मी थोड़ा सा बातें कर रहे हैं, तो मैं आ गई हूँ आप सबके लिए बात करने के लिए ये सीरी में। हाँ, तो इस तरफ आ गई हूँ, और जब से आई हूँ और जब से लंच करने के लिए बैठी हूँ, प्रीति और प्रीति और प्रीति का साथ बीता जो पल है सब कुछ याद कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लगा। और मेरे मायके आने का रीज़न है फ्रेंड यही कि मेरे मम्मी ना 7 वीक हो गया है, 7 वीक हो गया है मेरे मम्मी अकेले हैं पूरे घर में, इतना बड़े घर में अकेले हैं, पापा भी नहीं है, पापा थोड़ा सा ना भैया के उधर रहना पसंद करते हैं, हमेशा ही उधर चले जाते हैं, जब प्रीति थी प्रीति और माँ को छोड़कर हमेशा भैया के उधर रहने के लिए चले जाते थे, तो पापा उधर ही रहना पसंद करते हैं, यानी कि हम लोग का जो बैरकपुर में जो घर है उधर रहना पसंद करते हैं, तो उधर ही गए हैं, और मम्मी जाना नहीं चाहती है, तो इसीलिए मम्मी इधर रुके हैं। और सच बताओ मम्मी को अच्छा नहीं लगा था, फ़ोन जब भी करती थी ना मम्मी रोती थी, और मुझे अच्छा नहीं लगता वो जब रोते हैं, क्योंकि हम सब औलादों को यानी कि हम सब बच्चों को जिम्मेदारी होते हैं अपने माँ बाप के फेस में स्माइल रहना, जैसे मैं सास ससुर का भी मैं जितना ध्यान रख पाती हूँ उतना रखती हूँ, मेरे मम्मी पापा का भी जितना रख पाती हूँ उतना रखती हूँ। आई होप मैं सोचती हूँ मेरे तरफ से कि मैं जितना हो सके मैं 100% मैं इन्वॉल्व होती हूँ इन चारों जो है मेरे दो पापा दो मम्मी जो है सबको खुशी रखने के लिए। देखिए लाइफ में बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ बोलते हैं तो छोटा बहुत दुख तो होता है ना, तो आप सबके साथ मैं उसी दुख को मैं बयां करती हूँ, आप समझेंगे। पापा नहीं है ना, पापा का देखिए प्लांट सूख गया, ये देखो ये कौन सा प्लांट है पता नहीं, मम्मी ने मिट्टी पानी नहीं दिया इसीलिए सूख, इसको पानी देना है क्योंकि ये इसका मिट्टी भी सूख गया, ये असली ये है पेड़ है, क्या बोलते हैं इसको, असली है जो प्लास्टिक का जो आर्टिफिशियल नहीं है असली, इसका मिट्टी में भी पानी देना होगा, ये सूख गया है। तो जो कह रही थी क्या कह रही थी, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, छोड़ते हैं ये बातों को, बस बताना आप सब क्या कर रहे हो जामा षष्ठी के दिन। मेरा तो जामा षष्ठी उतना अच्छा नहीं जाएगा क्योंकि प्रीति नहीं है, फिर भी मम्मी को खुश रखने के लिए मम्मी को अच्छा फील कराने के लिए जितना हो सके मैं करूँगी। और सच बताऊँ तो प्रीति का कमी हर समय हर दिन हर समय हर पल मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, मिसिंग तो है उसका जो ये होता है ना उसके साथ बीता है, हर चीज़ मुझे याद आता है, मेरे से जितना हो सकेगा मेरे मम्मी को उनका प्रीति का जो मिसिंग जो है उसको कमी दूर करने के लिए मैं कोशिश करूँगी। मुझे पता है किसी का कमी दूर नहीं किया जा सकता है जितना भी कुछ कर लो, लेकिन जितना हो सके, क्योंकि मेरे मम्मी ना प्रीति से ज़्यादा क्लोज था तो इसीलिए मम्मी को ज़्यादा दुख होता है, तो इसीलिए अच्छा नहीं लगता है, मम्मी हर टाइम रोती है फ़ोन करके, जब भी मैं फ़ोन में बात करती हूँ ना मम्मी रोती है। और प्लीज़ इग्नोर कर देना, ये ब्लॉग ज़्यादा चिट चैट होने वाला है, तो इसीलिए क्योंकि इधर आके मैं उतना कुछ काम नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ लेकिन काम नहीं करना पाता, तो बातें ज़्यादा करती हूँ क्योंकि इधर आने से ना मुझे ऐसा लगता है मैं प्रीति के साथ ही ये सब शेयर कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और चलो अभी ज़्यादा बकबक ना करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आप सबका मनोरंजन करने के लिए कुछ सोचते हैं। और हाँ
अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है देखने में। आई होप अच्छा लगने वाले हैं क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ मेरा 100% देने के लिए। और मैं अभी जा रही हूँ नीचे, जैसे कि सुमित अभी नीचे रेस्ट ले रहे हैं, उसको अभी काम पे जाना है। अभी टाइम हो रहा है 5 मिनट हो चुका है। आई डोंट नो आप देख पाओगे नहीं, उल्टा ही दिखेगा, दिखाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो बस वो अभी रेस्ट ले रहे हैं, मम्मी के साथ बात कर रहे हैं, उसके बाद वो काम पे चले जाएंगे। मैं आज रुकने वाली हूँ, ये तो सबसे पहले बताना चाहिए आप सबको, आज मैं रुकने वाली हूँ, कल है जावा सृष्टि। तो आज जैसे कि आई हूँ, सुमित बोल रहे बाबू तुम चलो, मुझे अकेला नहीं सोना है। तो सुमित रात को चले जाएंगे, इधर डिनर करके फिर से चले जाएंगे और इधर नहीं रुकेंगे क्योंकि कल उसका रिजर्व है। इसीलिए देखते हैं और आगे क्या क्या करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ देखते रहिए। चलो, बहुत गर्मी लग रहा है ना, इधर फैन नहीं है तो बहुत गर्मी लगता है। তো চলো বাবু কটা বাজে বলতে 4:10 হয়ে গেছে, যাবে না কাজে? যাবে না? যাবে? ঠিক আছে চলো মিলতে হবে কুছ দের কে বাদ। ভিডিও শুট করো, দেখো তো কলটা সাকসেস পেল। তোমার 300 এ হতে কতদিন সময় লেগে যেত বলো? कितना डग देखा। हाँ। तो फ्रेंड रुको एक सेकंड। अरे फल तो गाज ना है बाबू। हाँ ये फल सा गाज। ओह ये ना मार गया थे। হেভি খেলে তোমার দশ টাকা মানে ফলটা কথা দেখো মনে করাবে। হ্যাঁ আচ্ছা, आप सब यही सोच रहे हैं ना, अभी अभी मायके में थी, आपसे बोल रहा कि मैं आज रुकूंगी, लेकिन प्लान में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है। तो सुमित ने बोला नहीं बाबू चलो घर चलो, तो इसीलिए फिर से घर जा रही हूँ, फिर कल सुबह आ जाऊंगी क्योंकि उधर नेट नहीं है, मैं आप सबके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मुझे आना पड़ा, नहीं तो आज मैं उधर ही रुकने वाली थी, लेकिन मम्मी को छोड़ने का मन नहीं था, फिर भी छोड़ दिया मुझे। इस तरह से ना ब्लॉगिंग करने में ना बहुत डर है, क्यों पता है? अगर आप मोबाइल को ऐसे दूर पकड़ के रखते हुए वीडियो करेंगे ना, बाइक में आके आपके मोबाइल छीन के लेके चले जाएंगे, आपको कुछ कर भी नहीं सकेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, इसीलिए मैं रोड पे बहुत ही कम ब्लॉगिंग करती हूँ। अभी रात के बज रहे हैं, रात या शाम बोल सकते हैं, अभी टिफिन करेंगे यानी कि नाश्ता करेंगे शाम का। तो शाम के नाश्ते में मुरमुरा और चॉप लेके आए हैं, आपको दिखाऊंगी। और आने के बाद मैंने नहाया है, घर का झाड़ू लगाया, पानी भरा है, बाथरूम का सब कुछ काम कर लिया, उसके बाद फिर थोड़ा सा रील्स वीडियो बना रही थी, तो इसीलिए थोड़ा सा मेकअप सेकअप करके मैं फिर से हूँ। वैसे मैंने आते ही शैम्पू कर लिया है क्योंकि आने के बाद बहुत सारे काम रहते हैं ना, वो सब काम करने से पसीना सा लोथपोथ हो गई थी, तो इसीलिए। और सुमित भी आ गए हैं, ये रहा चौक।
আমি ফ্রিজে দিয়েছো একটাই আছে দেখো একটা ছোট নিয়ে এসো আর একটা ঢোকাবে इसे बूम कहते बूम और तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं और आज के लिए इतना ही मैं आपसे फिर मिलूंगी मेरे कल वाले वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल बाय हां और लोग हमें खाली वाला चाय ओ ये तो कीड़े का है काम लेते क्या है भात अच्छे अरे हाड़ी थे हाड़ी नहीं तो हाड़ी नहीं था वार्क कर रहे हैं हां भात अच्छे और आलू का केटे रखे दिए थे।